वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। अपनी जो कॉपी केस है, कॉपी केस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कॉपी केस में जो फाइंस थे वो उसकी जो लिस्ट थी वो डिक्लेयर हो चुकी है। ऑफ कोर्स माय नेम इज तुषार और आप देखना शुरू करके मिस्टर फाइंस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अभी लिस्ट लगी है, मेरे ख्याल से ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। जो लिस्ट है वो लग चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो और आपने आपकी फीस कितनी है वो देख सकते हो। मतलब देखने वाली कोई बात है ही नहीं, ऑब्वियसली सबकी जो फीस है वो 1000 रुपीज ही है। आपको वहाँ पे आपका जो सीट नंबर रहेगा वो मेंशन किया जाएगा, और अगर आपने कौन से सब्जेक्ट में कॉपी करी थी वो होगा, और उसकी कितनी फाइन है, ठीक है, वो सब दिया गया है। तो जल्द से जल्द जाइएगा, अपना फी कहाँ पे देखिएगा, अपनी फी है वो जल्द से जल्द पे कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब पुणे यूनिवर्सिटी ना ये जो सारे काम है ना वो बहुत जल्द जल्द ना निपटा रही है। जैसे कि हमें मालूम है कि अभी ना सारे स्टूडेंट्स थे ना उनका कंफ्यूजन था कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं लग रहा, क्यों पेंडिंग क्यों रखा है। तो इसका ना ये एक प्रॉपर रीजन था कि भाई पनिशमेंट लिस्ट लगनी बाकी थी, ठीक है। अभी पनिशमेंट लिस्ट लग गई है, और अभी पनिशमेंट लिस्ट के हिसाब से सबने जब फी पे कर देंगे तो उसके बाद आपके रिजल्ट का कुछ सोचा जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर का रिजल्ट हमने देखा था, चुटकियों में लगा दिया, 18 दिनों में रिजल्ट था वो डिस्प्ले कर दिया गया था। तो इसका मतलब अभी ये भी है कि देखिए आपका जो रिजल्ट है वो भी लग चुका है, सिर्फ डिस्प्ले करना बाकी है। अभी डिस्प्ले कब होगा, आपको जस्ट सब लोगों को जल्द से जल्द फीस है वो पे कर देनी है, और जैसे ही सब लोग जितने भी लिस्ट लगी है उनकी फी पे हो जाएगी, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द। मतलब फी पे होने के कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट लग जाएगा। अभी कंफ्यूजन और एक निकल के आता है कि भाई ऑफलाइन लगेगा कॉलेज में जाकर देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन लगेगा। मेरे ख्याल से ऑनलाइन SPPU वेबसाइट पे यूनिपुणे पे लग जाएगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन होगा तो भी कॉलेज की तरफ PDF आ जाएगी। आपने आपको क्या करना है, कॉलेज में नहीं जाना है, आपके जो टीचर लोग हैं उनको जस्ट कॉन्टैक्ट कर लेना है और वो PDFs भेज देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या होता है कि जब इलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है ना, तो क्या होता है कि हमारा रिजल्ट पेंडिंग रखा जाता है, पेंडिंग रखा जाता है, ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं होता है। जो डिस्प्ले नहीं होता है वहां पे क्या दिखाता है कि ये रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट योर कॉलेज। तो हो सकता है कि आपके मामले में भी यही हो, आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट लगा है क्या, लग गया है क्या, अगर लगा है तो क्या है बताइए, या फिर कुछ PDF वगैरह है तो वो हमें सेंड कर दीजिएगा, तो डेफिनेटली कॉलेज आपको मदद कर देगा, ठीक है। तो मतलब ये दोनों चांसेस है, एक तो लग जाएगा डायरेक्टली यूनिपुणे पे आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो रेगुलर स्टैंडर्ड प्रोसेस है उस तरह से, या फिर आपके जो PDFs है वो कॉलेज की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं ना लास्ट ईयर का स्टूडेंट्स था, मतलब अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है ना, तो मेरा ना एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम था। तो क्या होता था कि मोस्टली मेरा जो रिजल्ट था ना वो ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं होता था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था और वहाँ से प्रिंट लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी प्रोसेस है जो हेडेक है एक तरह से, क्योंकि ना देखिए क्या है कि पुणे यूनिवर्सिटी ने खुल के कुछ बताती नहीं कि अभी देखो उनको क्या करना चाहिए, एक सर्कुलर निकालना चाहिए, एटलीस्ट उसमें सब बताना चाहिए कि आपको कमिटी में बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि आपकी आपको वहाँ पे क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके बाद आपकी फीस है, उसकी पनिशमेंट लिस्ट लगेगी, उसके बाद कितने दिनों में रिजल्ट आएगा। मतलब ऐसा कोई ना अपडेट ना हमारे पास ना आता नहीं है, ये जो हम बताते हैं ये सिर्फ क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस होता है, या फिर पिछले बार जो हुआ था उसके हिसाब से हम इस बार बताते हैं, ठीक है ना। तो पुणे यूनिवर्सिटी का ये एक क्या माइनस पॉइंट कह सकते हो कि इतना ज़्यादा, मतलब जो कॉपी केस वाले स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर कुछ अदर मैटर्स रहते हैं ना, उनमें ना ऐसे जैसे चाहिए हमें वो अपडेट्स नहीं मिलते। अभी उनका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है या फिर वो सिंपली उनके वेबसाइट पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट तो बड़ी बात हो गई ना थोड़ी सी, तो टेलीग्राम ग्रुप पे सिंपली वो कुछ पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? और करते भी है, लेकिन हमें जैसे अपडेट्स चाहिए क्लियर वो क्लियर अपडेट्स नहीं आते पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये अगर पुणे यूनिवर्सिटी हमें अच्छे अपडेट्स जल्द से जल्द देती रहेगी तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको क्या लगता है मुझे डिस्क्रिप्शन में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में ओवरऑल मुझे यही बताना था कि आपकी पनिशमेंट लिस्ट लग गई है, जल्द से जल्द जाएगा, फीस पे कर दीजिएगा, उसके बाद जल्द से जल्द आपका रिजल्ट लग जाएगा, हो सकता है मे बी इट्स और यूनिपुणे और आपके कॉलेज में PDFs आ जाएगी, ठीक है। यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।